हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज है हम रांची के एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेस में, और वो एक रेस्टोरेंट है दोस्तों, मधुबन विहार करके है। ये आपका ओरमांझी रोड में पड़ता है। ये जो रेस्टोरेंट है दोस्तों, इसको एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको अच्छे से। तो दोस्तों, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं मधुबन विहार रूम्स रेस्टोरेंट बैंक्वेट लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाहर का कुछ देख सकते हैं, इस तरह का व्यू है, देखिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मधुबन लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा। और देखिए किस तरह का बना हुआ है, देखिए पीपल का पेड़ भी जो है उसको भी काफ़ी खूबसूरत डिजाइन दिया हुआ है कटिंग करके, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और इस तरफ का भी लुक देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा है ये रेस्टोरेंट मधुबन विहार जो है, और काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। इस तरफ भी देख लीजिए आप, और जो डिजाइन है दोस्तों मशरूम की तरह लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली लकड़ी का नहीं है, लेकिन लग रहा है दोस्तों कि लकड़ी का बना हुआ है। डिजाइन जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लासिक लुक दे रहा है ये इस रेस्टोरेंट को। बाहर में ही इस तरह का डिजाइन आपको मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों बिल्डिंग किस तरह का है, देख सकते हैं इस तरह से, देखिए काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है। और ये इन करने का गेट है दोस्तों, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, प्रवेश द्वार है। ऊपर में भी रहने के लिए, ठहरने के लिए है, सुंदर लग रहा है इस तरफ। और इन्होंने नियम का भी पालन किया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमारे प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं है, मतलब काम नहीं करते हैं यहाँ पे। देखिए काफी सुंदर लग रहा है डिजाइन, देख लीजिए बाहर का। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हॉल जैसा है बना हुआ, देखिए काफी सुंदर लग रहा है। अंदर हम लोग जा रहे हैं, सामान खरीद के खा सकते हैं, हॉल है इस तरह, काफी सुंदर लग रहा है इस तरह का, पूरा एरिया देख सकते हैं काफी बड़ा है। तरफ दोस्तों ये लोग का जो है किचन है रेस्टोरेंट का, रांची का, रांची का घर का भी देख सकते हैं, काफी सुंदर लग रहा है, गजब का लुक दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इस तरह से, और इस तरफ भी एक पार्ट है यहाँ पे इसका, देखिए अच्छा लग रहा है। इस तरफ भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं, देखिए बालकोनी एरिया है, देखिए काफी विशाल लग रहा है। इस तरफ से भी पूरा एरिया दिखा देते हैं दोस्तों आपको रेस्टोरेंट का, देखिए नीचे में देखिए किस तरह का है, देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है, दोस्तों। एक खास जगह में आपको लेके चलते हैं ऊपर में, जो बच्चों के लिए है स्पेशली खेलने के लिए, तो भी एरिया दिखा देते हैं दोस्तों आपको। देखिए बच्चों के लिए भी यहाँ पे खेलने का भी जो है सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ पे देखिए झूला भी है, देखिए काफी अच्छा अच्छा खिलौना है दोस्तों खेलने के लिए, झूले वगैरह लगे हुए हैं, लगा हुआ है एरिया में, छोटा सा एरिया में। और इस तरफ देखिए, उस तरफ मेन रोड है, इस तरफ रांची का, इस तरफ जाएंगे आप तो रांची के लिए है, इस तरफ उधर जाएंगे तो रामगढ़,
तरह का लगता है। और दोस्तों चलते हैं फिर नीचे का भी दिखा देते हैं आपको एरिया कैसा है। और इस तरह का केबिन बना हुआ है छोटा छोटा, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मंदिर के जैसा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए देखिए इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे भी आप चाहें तो स्पेशली बैठ के डिनर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है देखिए। और दोस्तों अब नीचे का एरिया आपको दिखाते हैं। नीचे का देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पेड़ को काट काट के बना दिया गया है। देखिए पूरा एरिया कितना सुंदर है, देखिए मधुबन का रेस्टोरेंट का। देखिए दोस्तों इस तरह का एरिया है, नीचे का पार्किंग एरिया है दोस्तों। यहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह लगा सकते हैं आप, देखिए लगा हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से पूरा बेसमेंट एरिया है। देखिए इस तरह का काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। कभी आप चाहें तो यहाँ आके स्टे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, पार्टी वगैरह भी मना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। रांची में अगर कोई है खास तरह का होटल जिसमें आपको एंजॉय करना चाहते हैं, फुल मस्ती करना चाहते हैं, तो यही है दोस्तों। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, इस जगह को घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। और चलिए फिर नीचे दिखाते हैं दोस्तों आपको इस तरफ का, देख लीजिए एक बार फिर, तो देखिए किस तरह का है, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, दिल को छू लेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ से वापस जाएं। देखिए पूरा एरिया देखिए आप, मधुबन रेस्टोरेंट गजब है दोस्तों, गजब बवाल है। और इस तरफ देखिए आप, ऐसा नजारा है, बहुत ही सुंदर है। और इस तरफ के रूम आप देख सकते हैं, सुंदर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी सुंदर डिजाइन दिया हुआ है, बनाया गया है देखिए। और इस तरफ का देखिए दोस्तों, अंदर का डिजाइन देखिए लकड़ी का पूरा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लकड़ी जैसा केबिन इस तरह का भी यहाँ पे मिल जाएगा बना हुआ। सारे केबिन इसी तरह के डिजाइन किए हुए हैं, लकड़ी के जैसे लग रहे हैं। देखिए अंदर तक बना हुआ है, बहुत सारा केबिन है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 20 केबिन लगभग बने हुए हैं दोस्तों। इस तरह का है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, अंदर में जाके डेट वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आके बहुत अच्छा जगह है। यहाँ से दोस्तों अब बाहर निकलते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, खूब मजा आने वाला है आपको, बहुत ही सुंदर है यहाँ का नजारा देखिए। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक कोशिश किया कि मधुबन जो रेस्टोरेंट है, मधुबन जो होटल है और मांझी का, रांची का, इसको एक्सप्लोर किया दोस्तों, आपको बताने का प्रयास किया, दिखाने का भी कोशिश किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और चलिए फिर दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा,
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बाय। वो है